आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका सब्जेक्ट मैथ है और जिनका एग्जाम 12 जुलाई को होने वाला है। आप लोग सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग 2 दिन पढ़कर 40 में 40 नंबर किस प्रकार से लाएंगे। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, केवल आप लोग इस वीडियो को देखिए, आपका अच्छा खासा नंबर आएगा। और अगर आप लोग अच्छे तरीके से थोड़ा ध्यान दे देते हैं तो आपका 40 में 40 नंबर भी आ सकता है। बहुत सारे बच्चे का टर्म 2 का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन आपको टर्म 1 वाला जो आपका एग्जाम कैंसिल हो गया था, आपको याद होगा ये चीज़, तो आप लोग जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। क्योंकि मैथ वाला ये जो है ना, ये हमारा एग्जाम हुआ था और एग्जाम होने के बाद हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया। कैंसिल होने का जो मेन कारण था, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। बहुत सारे बच्चे तो 40 में 40 एकदम सही करके घर आए थे, क्योंकि उनको तो पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल गया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, जैसे आज तो आपका 10 तारीख हो गया, तो आज वाला जो आपका दिन है, फिर 11 तारीख वाला जो आपका दिन है, फिर 12 तारीख में आपको जो थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ये जो टाइम है ना, इसका आप लोग भरपूर यूज करिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। हो सके बहुत सारे बच्चे भूल चुके हैं कि हमें मैथ का भी एग्जाम देना है, तो भाई मेरे आपको मैथ का भी एग्जाम देना है और 14 तारीख को आपको फिजिक्स का भी एग्जाम देना है। इसलिए आप लोग याद रखिए, अधिकतर बच्चे मैथ पढ़ते नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। किस प्रकार से अच्छा खासा नंबर आएगा, इसको भी यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। देखिए हमारा जो मैथ होता है ना, मैथ देखिए, मैथ में अगर बोलिएगा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैथ में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे मैं भी अगर आपको बताऊंगा, मैंने टर्म 2 में भी आपको पढ़ाया था, कोई वहां पर मैंने आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके नहीं पढ़ाया था। देखिए मैथ में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता ही नहीं है। मैथ में क्या होगा, मैथ में आपको जानना पड़ेगा कंसेप्ट। किसी भी क्वेश्चन को आप लोग बना रहे हैं तो उसका कंसेप्ट क्या होगा, किस बेसिस पे आप लोग क्वेश्चंस को बना रहे हैं, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो हमेशा मैथ में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है। और यहाँ पर मैथ में आपको 3 बात का यहाँ ध्यान रखना है। पहला बात होगा कंसेप्ट का, आपको कंसेप्ट जानना पड़ेगा। दूसरा बात होगा फॉर्मूला का, आपको फॉर्मूला एकदम अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। और तीसरा बात है प्रोसेस का, इसको बनाने का प्रोसेस क्या है। क्योंकि देखिए मैथ में होगा क्या, जैसे मान चलिए यहाँ पर मैंने लिमिट का आपको एक क्वेश्चन बता दिया, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन बता दिया, इस प्रकार से बताया, लेकिन परीक्षा में यही वाला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर x टेंड्स टू मैंने 0 लिखा, तो परीक्षा में हो सके लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी करके दे देगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कहीं सभी क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। हो सके कुछ वैल्यू में कुछ मान जो होगा, जैसे कहीं पर 2 दिया जाए, कहीं पर 5 दे देगा, कहीं पर 10 दे देगा, तो कहीं पर वैल्यू में चेंज हो सकता है। मान के चलिए मैंने आपको एक्स स्क्वायर वाला बताया, परीक्षा में एक्स के पार में 5 वाला आ जाएगा। आप तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सर ने तो मुझे एक्स स्क्वायर वाला बताया था, एक्स के मथा में 5 वाला आ गया, अब हम लोग कैसे क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो कन्फ्यूजन होगा ही होगा, मैथ है भाई, मैथ में कन्फ्यूजन होगा। मैथ में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, कोई भी अगर बता रहा है आपको तो मत सुनिए उसका बात। मैथ में आपको जानना है 3 चीज, क्या क्या, पहला जानना है आपको कंसेप्ट, दूसरा जानना है फॉर्मूला, और तीसरा जानना है प्रोसेस। अगर आप लोग ये 3 चीज अगर जान गए ना, आपका बल्ले बल्ले है, 40 में 40 नंबर एकदम आप लिख कर आएंगे और आपका 40 में 40 नंबर आएगा, कोई दो मत नहीं है। टाइम बहुत कम है, अच्छे तरीके से समझना है क्या नहीं है। देखिए मैं आपको जो भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, केवल केवल आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे में मत जाइए। आपको जानना क्या है, कंसेप्ट जानना है, फॉर्मूला जानना है और प्रोसेस जानना है। अगर ये 3 चीज़ अगर आप लोग जान जाते हैं तो भाई आपके लिए बल्ले बल्ले है। लेकिन बात ये रहा कि सर आप जो बोल रहे हैं कि खाली ये पढ़ लो, तो क्या पढ़ लो, क्या पढ़ ले हम लोग, क्या हमारा 40 में 40 नंबर आ जाएगा, चलिए इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा क्या है, सिलेबस है। ये टर्म 1 वाला है, ये टर्म 2 वाला है। टर्म 2 का तो राम नाम सत्य हो गया है, मारिए गोली, ये तो कहानी खत्म। हम लोग टर्म 1 के ऊपर ध्यान देंगे। जैसे टर्म 1 में हमें पढ़ना है सेट्स, पढ़ना है रिलेशंस एंड फंक्शंस, पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, पढ़ना है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, पढ़ना है लीनियर इनइक्वालिटीज, पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पढ़ना है। तो ये 6 चैप्टर्स हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब बात को ध्यान से समझ लीजिए, अच्छे तरीके से सुन लीजिए। सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को देखिए, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा
क्वेश्चन पेपर है। किसका क्वेश्चन पेपर? तो जो क्वेश्चन पेपर कैंसिल हो गया था, जो हमारा लीक हो गया था, मैथ का पेपर लीक हुआ था ना, तो जो हमारा लीक हो गया था वही वाला क्वेश्चन पेपर है हमारा, वही वाला क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों के पास भी होगा, आपके घर में रखा हुआ होगा। अगर इसके आधार से अगर हम लोग बात करें, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से ये चीज़ हमें क्वेश्चन दिया गया था, आप लोग देख सकते हैं, वही वाला क्वेश्चन पेपर है। आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। इस प्रकार से हमारे पास और बहुत सा हर एक क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर आप लोग इसको अगर बेस बनाकर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग, अब आइए यहाँ पर आप लोग आइए, इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमें जो 6 चैप्टर्स पढ़ना है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे पहले आप लोग इस बात को समझ लीजिए। देखिए हमारे पास ये जो चैप्टर है ना, पहला चैप्टर सेट्स, आप लोग गिन लीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन होगा। सेट्स से यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केटो 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहीं से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा जो रिलेशंस एंड फंक्शंस है, यहाँ से भी हमारा 5 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, यहाँ से भी क्या हो रहा है, 5 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। फिर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा चैप्टर है, जहाँ से 10 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। कितना क्वेश्चंस? तो 10 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का अगर बात किया जाए तो यहाँ से हमारा 9 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, 9 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। फिर आगे अगर हम लोग देखिए लीनियर इनइक्वलिटीज, अगर लीनियर इनइक्वलिटीज़ का बात करें तो यहाँ से सबसे कम, यानी कि यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, 3 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। और अगर बात करें कम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें टोटल मिलाकर 8 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। आप लोग गिन सकते हैं, देखिए 5 5 10 10 10 20 20 और 9 29 29 और 3 29 और 3 कितना हो जाएगा, 29 30 32 32 और 8 40। तो इस प्रकार से हमारा पूछा जा रहा है। देखिए अगर आप लोग सेट्स पढ़ते हैं तो आपका 5 नंबर आएगा, रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ते हैं तब भी 5 नंबर आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं तो 10 नंबर आएगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं तो 9 नंबर आएगा, लीनियर इनइक्वलिटीज पढ़िएगा तो 3 नंबर आएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़िएगा तो 8 नंबर आएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो सबसे आसान वाला जो चैप्टर है, जो सबसे आसान, जहाँ से आप लोग आसानी से नंबर उठा सकते हैं, देखिए ये जो सेट्स होगा, सेट्स एक आसान चैप्टर हो जाएगा, जहाँ से आप लोग 5 नंबर आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ये वाला जो चैप्टर है, ये भी एकदम बहुत ही सिंपल चैप्टर है, जहाँ से आप लोग 9 नंबर एकदम हंसते हंसते उठा सकते हैं। ये जो आपका लीनियर इनइक्वलिटीज है, ये भी एकदम बहुत ही सिंपल और छोटा सा टॉपिक है, अगर आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दे देंगे तो यहाँ से भी आप लोग नंबर उठा सकते हैं, यहाँ से भी आपका 3 नंबर एकदम आसानी से उठ जाएगा। ये चैप्टर जो है ना सर, कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बहुत ही सिंपल और सरल चैप्टर है, यहाँ से आपका 8 नंबर एकदम आसानी से उठ जाएगा। तो इतना तो चीज़ एकदम आसानी से हो रहा है। रिलेशन फंक्शंस में भी देखिए, फंक्शंस हो सके, बहुत सारे बच्चे डोमेन निकालने में, रेंज निकालने में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपका जो रिलेशंस होगा ना, रिलेशंस से आप लोग एकदम आसानी से नंबर उठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर, जैसे 5 में से 2 नंबर तो आप लोग एकदम आसानी से यहाँ पर उठा लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना, ये बहुत ही लंबा चौड़ा पूरा, अगर मैथ का बात किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सबसे लंबा चौड़ा चैप्टर है। तो 10 क्वेश्चन में से जाहिर सी बात है सर, कुछ ना कुछ तो आप लोग जरूर बनाएंगे। तो ये रहा आप लोगों का नंबर, कि किस प्रकार से किस चैप्टर में कितना नंबर आ रहा है। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ गए हैं ना, तो आप लोग एकदम आसानी से अच्छे तरीके से अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं। और यही चीज़ आपको समझना है, जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिसको समझिए, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। तो कुछ इस प्रकार से हमारा नंबर आ रहा है। अब आप लोग यहाँ पर सोचिए कि आपको यहां पर अब कौन से चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करना है, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कहां से कितना क्वेश्चंस हमारा पूछा गया है, ठीक है। तो और यहां पर सबसे आसान वाला एक ये हो जाएगा आपका आसान, एक ये आसान हो जाएगा, एक ये आसान हो जाएगा, एक ये आसान हो जाएगा। रिलेशन से एकदम आसानी है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी तो कुछ ना कुछ तो आप लोग जरूर करिएगा, और आपका बस बाकी बाद बाकी सब आसान है। और मैं आपको एक करके कंसेप्ट, फॉर्मूला, प्रोसेस हर एक चीज़ बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा वीडियो, यहाँ से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला कि कहाँ से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।